आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। वैसे तो इक्वेशन काफ़ी सारे बोर्स के, लेकिन इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं आपको सबसे इम्पोर्टेंट वाला इक्वेशन बता देता हूँ और बोर्स के सारे पोस्टुलेट्स। तो सबसे पहला पोस्टुलेट ये होता है कि बोर्स ही स्टेट करता है इलेक्ट्रॉन्स कैन रिवॉल्व ओनली इन सर्टेन स्टेबल ऑर्बिट्स ऑफ फिक्स्ड एनर्जी। सो सम ऑर्बिट्स होते हैं लेट्स से दैट इज़ के एन। सो बोर ये कहता है इलेक्ट्रॉन जो है वो सिर्फ कुछ फिक्स्ड शेल पे ही रिवॉल्व कर सकते हैं जिसका कुछ फिक्स्ड एनर्जी हो। ये हो गया हमारा फर्स्ट पोस्टुलेट। दूसरा पोस्टुलेट बोर्स ये कहता है इलेक्ट्रॉन हैव सम एनर्जी एज दैट ऑफ द ऑर्बिट इन विच इट इज़ रिवॉल्विंग। यानी कि कुछ एनर्जी होगा हर शेल में जिसमें कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा। सिर्फ इलेक्ट्रॉन के पास ही कुछ एनर्जी नहीं होगा बल्कि हमारा शेल के पास भी कुछ एनर्जी होगा। ओके तीसरा है व्हाइल रिवॉल्विंग इन द शेल्स इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट एमिट एनी रेडिएशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा नेक्स्ट पोस्टुलेट ये कहता है इलेक्ट्रॉन्स कैन रिवॉल्व ओनली इन दोज सर्कुलर ऑर्बिट फॉर विच द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच बाई टू पाई। एंगुलर मोमेंटम हम लोग जानते हैं होता है हमारा एम वी आर। सो अकॉर्डिंग टू हिज पोस्टुलेट्स एम वी आर शुड बी इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एंगुलर मोमेंट इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच बाई टू पाई। So let's say n into h by 2 pi and हमारा कुछ भी हो सकता है 1, 2, 3, 4 integer। So अब मैं आपको थोड़ा सा visualize कराने की कोशिश करता हूँ। Let's say this is a circular path, okay, with a photon at center, an electron revolving सब टेंजेंशियल वेलोसिटी। हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विल बी इक्वल टू सेंट्रीपेटल फोर्स। सो हमारा एम वी स्क्वायर बाय आर जो है दैट विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू लेट्स सी दिस वन इज क्यू वन दिस वन इज क्यू टू डिस्टेंस बिटवीन देम इज आर द रेडियस। छोटी बड़ी चीज़ आपको पता होना चाहिए। ओके so let me call this as equation 1 and let me call this let's simplify this m v square by r equals 1/4 pi epsilon naught q1 the electron will be e into the charge of photon atom number 2 into e z e r square. So m v square by r will be equal to 1/4 pi epsilon naught into e square z by r square. Let me call this as equation 2. So I'm dividing equation 1 and 2. We will get m square v square r square by m v square by r equals to n square h square by 4 pi square by e square z by r square into 4 pi epsilon naught. So हम लोग देख सकते हैं m से m कैंसिल हो जाएगा, v square से v square कैंसिल हो जाएगा, एक pi से एक pi कैंसिल हो जाएगा। So हम लोग और सिंपलीफाई इसको करें। So हम अब लिख सकते हैं r equals n h square epsilon naught by pi e square z by m। सब देख सकते हैं सिर्फ सॉरी ये n square हो जाएगा n square
और जेड को छोड़ के जो कि एटॉमिक नंबर है, बाकी सब के सब कांस्टेंट हैं। सो अगर मैं एच स्क्वायर बाई इट एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई पाई इंटू ई स्क्वायर जो कि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसको एक साथ वैल्यू सब्सटीट्यूट वैल्यू पुट कर दूँ तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.53, क्योंकि ये दोनों वैरी कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा एच स्क्वायर बाई जेड। सो ये हो जाएगा हमारा रेडियस इस तरीके से। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।